Assalamu alaikum, my name is Sidra Rizwan. I am here to teach you physics. Basically, physics का नाम सुनते ही सबके mind में सबसे पहले एक बात आती है कि ये बहुत ही ज़्यादा dull और boring subject है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. क्योंकि अगर हम अपने nature के बारे में study करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें लाजमी physics की study करनी पड़ेगी. ठीक है, इसकी छोटी सी मिसाल अगर हम देखें तो क्या है कि अर्थ जो है वो अपने ऑर्बिट के रिवॉल्व अपने ऑर्बिट के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रही है, और जो डिफरेंट प्लैनेट हैं वो भी अपने ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं. तो ऐसा क्यों नहीं होता कि ये आपस में आकर टकरा जाए? तो यहीं से फिजिक्स के लॉस शुरू हो जाते हैं, और इसी वजह से हम फिजिक्स को अपने कोर्स में एज अ सब्जेक्ट शामिल करते हैं. अब हम अपनी फिजिक्स की बुक को स्टार्ट करते हैं, और इसमें 19 चैप्टर्स हैं. सो आज हम फिजिक्स स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन. सबसे पहले हमारे माइंड में जो एक सवाल आता है वो चैप्टर का नाम सुनते ही कि आखिर इंट्रोडक्शन है क्या. तो इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे कि इंट्रोडक्शन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फिजिक्स को हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका पढ़ना क्यों ज़रूरी है. तो फिजिक्स की इसको हम समझने से पहले फिजिक्स समझने से पहले अगर हम इस बात पे गौर करें या देखें कि ये जो दिन है, दिन किस तरीके से आ रहे हैं, रात किस तरीके से आ रही है, मून किस तरीके से आ रहा है, और अगर ये ज़मीन गोल है तो हम गिर क्यों नहीं रहे. ठीक है, तो हमने ये सब क्या किया, हमने ये ऑब्जर्वेशन की, हमने ये चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू किया कि अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है तो ऐसा है तो वैसा क्यों नहीं है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं. अब हमने डिफरेंट चीज़ें ऑब्जर्व तो की, लेकिन यहाँ पे हुआ कि अब हमें पता है कि हमने जो ऑब्जर्व किया है उससे हमें एक्यूरेट आंसर तो नहीं मिलेगा. तो हमें एक्यूरेट आंसर करने के फाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. तो हमने क्या किया कि हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए. ठीक है, जब हमने एक चीज़ की ऑब्जर्वेशन कर ली, उसको ऑब्जर्व कर लिया, देन उसी पे हमने क्या किया, उसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हमें जो नॉलेज गेन हुई उसे हम कहते हैं साइंस. इस बात को मैं दोबारा रिपीट करूँगी कि जब हमने डिफरेंट चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया और फिर हमने उसी के मुताबिक क्या किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट को मिला के हमें जो नॉलेज गेन हुई उसे ही हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं. तो बेसिकली साइंस जो है एक लैटिन वर्ड है जो साइंसिया से निकला है. अच्छा, हम इसको डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, सही. तो और इसकी मीनिंग क्या है, नॉलेज, मतलब के जानना. अर्ली एज में सारी नॉलेज साइंस में ही आती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त के साथ साथ लोगों में शऊर पैदा हुआ और उनकी नॉलेज इंक्रीज होती गई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने साइंस को दो डिफरेंट कैटेगरीज, उसको दो डिफरेंट ब्रांच में डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो एक का हमने का नाम दे दिया फिजिकल साइंस और दूसरी को बायोलॉजिकल साइंस. फिजिकल साइंस में हम तमाम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, और जबकि बायोलॉजिकल साइंस में हम तमाम लिविंग थिंग के बारे में स्टडी करते हैं. अब अगर हम गौर करें कि हवा चल रही है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो लिविंग थिंग है, या अगर अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है या वो लिविंग थिंग है, ऐसा तो नहीं है. तो हमारे पास बहुत सारी जो है डिफरेंट जो है हमारे पास क्या थी, बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग थी. तो अब उसको हम सबको एक साथ तो नहीं स्टडी कर सकते थे फिजिकल साइंस में. तो हमने क्या किया, हमने फिजिकल साइंस को सब डिवाइड कर दिया 5 डिफरेंट ब्रांचेस में. तो बेसिकली फिजिकल साइंस की जो 5 ब्रांचेस हैं वो यहाँ पर आपको दिख रही होंगी. नंबर 1 पे क्या है, केमिस्ट्री, देन जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेट्रोलॉजी एंड फिजिक्स. तो केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री में हम मैटर की प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर और उसकी कंपोजिशन के बारे में स्टडी करते हैं कि जो इनका स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है, या इनके दरमियान जो केमिकल रिएक्शन है वो किस तरीके से परफॉर्म हो रहे हैं, उन सब की स्टडी हम कहाँ करेंगे, केमिस्ट्री में. देन जियोलॉजी, जियोलॉजी में क्या है, अर्थ, मतलब अर्थ की स्ट्रक्चर क्या है, अर्थ किस तरीके से रिवॉल्व करता है. तो अर्थ की जितनी भी स्टडी है, जितनी भी हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे वो कहाँ पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे जियोलॉजी में. देन एस्ट्रोनॉमी,
स्टार, गैलेक्सी, ये तमाम चीज़ें हम सब कहाँ स्टडी करेंगे इनके बारे में? एस्ट्रोनॉमी में। बारी आती है मेट्रोलॉजी की, इसमें क्या है? वेदर प्लस एटमॉस्फेयर, कि आज का वेदर कैसा है, मौसम कैसा है, मौसम के हाल, आज गर्मी होगी, हवा चलेगी या नहीं होगी, तो इन सब की स्टडी हम कहाँ करेंगे? मेट्रोलॉजी में। उसके बाद बारी आती है फिजिक्स, इसमें हम क्या करते हैं? मैटर और एनर्जी और उनके दरमियान क्या इंट्रैक्शन है, क्या ताल्लुक है, उस सब की स्टडी हम कहाँ करेंगे? फिजिक्स में। और यही हमारा आज का पहला टॉपिक है। नाउ इट इज़ योर फर्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 1.1, व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है? ये असल में एक ग्रीक वर्ड है जो फिजिकोस से निकला है, और फिजिकोस की मीन है नेचुरल। नेचुरल का मतलब होता है कुदरती, ठीक है। अब हम अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज अ साइंस विच डील्स विद द इंट्रैक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। मतलब ये क्या है? ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर, एनर्जी और इन दोनों के दरमियान के इंट्रैक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। इंट्रैक्शन मतलब ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एनर्जी किस तरीके से मैटर में और मैटर किस तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं मैंने दो वर्ड को हाईलाइट किया है, एक है मैटर, दूसरा है एनर्जी। हमें डेफिनेशन को सही से समझने के लिए ये दोनों वर्ड की मीनिंग या डेफिनेशन सही से आनी चाहिए। तो हम शुरू करते हैं मैटर से। तो मैटर क्या है? एनीथिंग डेट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मतलब हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वजन रखे उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। मैं ये बात फिर से रिपीट करती हूँ कि हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वजन रखे उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। मैटर की तीन स्टेट्स हैं, नंबर वन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहाँ आगे अब फोर है वो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन नहीं की, लेकिन जब हम फर्दर स्टडी करेंगे तो मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी, जो कि है प्लाज्मा। लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ तीन को मेंशन किया है। तो नंबर वन क्या है? सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं और इनकी एक डेफिनेट शेप होती है। जबकि लिक्विड में क्या है कि उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से एज कम्पेयर टू सॉलिड थोड़े से दूर होते हैं और इनकी कोई अपनी डेफिनेट शेप नहीं होती। हम जिस भी कंटेनर में लिक्विड को डालेंगे वो उसी की शेप ले लेता है, ठीक है। देन बारी आती है गैस की। इसमें क्या होता है कि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर होते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड। अब अगर हम गौर करें कि हमें मैटर के ऊपर कोई भी काम करना है, ठीक है, अब हमें मैटर पे कोई भी काम करना होगा तो उसके लिए हमें कोई ना कोई एनर्जी चाहिए होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी क्या है? कि एनर्जी है एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब किसी भी काम करने की सलाहियत को। हमें कोई भी काम करना है उसकी सलाहियत को हम क्या कहते हैं? एनर्जी। क्योंकि हमें अगर कोई भी काम परफॉर्म करना है वो किसी भी मैटर पे हो, मतलब सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, हमें किसी भी कोई भी काम करना है तो हमें उस काम को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? एनर्जी चाहिए होगी। अब आपको समझ में आ गया है कि मैटर क्या है, ठीक है। मैटर क्या है? उसके अंदर सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है। अगर हम अपने एनवायरमेंट में इधर उधर अपने सराउंडिंग में चेक करें तो हमें, या हम अपनी दुनिया पर गौर करें, इस पूरे यूनिवर्स पर गौर करें, तो हमें वहाँ तमाम चीज़ मैटर ही दिखेगी। या तो वो सॉलिड होगा या लिक्विड या गैस, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस कायनात में हर एक चीज़ मैटर हो गई। देन क्या है? एनर्जी। अब हम जो भी काम परफॉर्म करेंगे उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो हमने क्या किया? मैटर के ऊपर जब हमने एनर्जी अप्लाई की और जो इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक पैदा हुआ, जो इन दोनों के दरमियान जो इंट्रैक्शन हुआ, उन सब की स्टडी हम कहाँ करेंगे? उन सब की स्टडी हम करेंगे फिजिक्स में। एक बार फिर दोबारा मैं डेफिनेशन को रिपीट करूँगी। ये क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज अ साइंस विच डील्स विद द इंट्रैक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। मतलब हम इसके अंदर क्या करते हैं? मैटर, एनर्जी और उनके दरमियान क्या इंट्रैक्शन है, क्या ताल्लुक है, क्या रिश्ता है, उस सब के बारे में हम क्या करते हैं? उन सब के बारे में स्टडी हम कहाँ करते हैं? फिजिक्स में करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करती हूँ। अब यहाँ पे बात हो रही है मैटर, मैंने पहले कहा था कि मैटर एनर्जी में या एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो रहा है, वो किस तरीके से। तो पहली एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ एनर्जी से मैटर में कन्वर्ट होना। अभी आप देखें कि एनर्जी, अब ये सन क्या है? सन एक सन, उसमें ऐसे क्या होती है? सनलाइट आती है। सनलाइट भी क्या है? जो सनलाइट है वो एक एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है। वहाँ से तो रोशनी आ गई, आपको पता है सूरज हमें हरारत देता है। अब वो क्या हुआ, जब वो रोशनी ज़मीन पे पड़ती है तो जो हमारे पौधे हैं वो क्या होते हैं? वो उगना शुरू होते हैं, वो हमें फल देते हैं, सब्जियाँ देते हैं, अनाज, ठीक है, ये सब हमें मिला। तो हुआ क्या, वो जो सनलाइट आ रही थी वो तो एनर्जी थी। अब उस एनर्जी के ज़रिए हमें क्या मिला? हमें मैटर मिल गया। ये जो चीज़ें हमें मिल रही हैं ये मैटर है, कोई ना कोई स्टेट है मैटर की। बात समझ में आई? तो इसका मतलब कि किस तरीके से एनर्जी कन्वर्ट हो गई है मैटर में।
अब मैं आपको दूसरी एग्जांपल देती हूँ कि किस तरीके से मैटर कन्वर्ट होता है एनर्जी में। अब ये देखें, ये क्या है, ये एक मैच स्टिक है और ये एक मैटर की फॉर्म है, कौन सी, सॉलिड। ठीक है, अब हम इसके साथ देखें होता क्या है। ये आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि ये जो हमारा मैटर था, जब हमने उसको बर्न किया, जलाया, तो वो अब हुआ क्या, जो मैच स्टिक अभी मैंने आपको दिखाई थी वो पूरी थी। अब ये देखें, ये सिर्फ इतनी थोड़ी सी रह गई है, तो ये जो हमारा मैटर था वो कहाँ चला गया, वो जो हमारा मैटर था वो कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, कौन सी एनर्जी में, हीट एनर्जी में। बात समझ में आई? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एनर्जी जो है मैटर में कन्वर्ट हो रही है और मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टाइम के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसकी जो है ब्रांचेस के बारे में पहले से आप स्टडी कर लीजिएगा, ताकि आपको आइंदा समझने में आसानी हो, क्योंकि इसकी भी आगे फर्दर 9 ब्रांचेस हैं जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।